नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। देखिए, साल का आखिरी दिन है, ऐसे में लगातार हम आपके सामने राजनीतिक खबरें लेकर आते हैं, बिहार की राजनीति से आपको रूबरू करवाते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में अगर कोई परिवार सबसे ज़्यादा चर्चित है तो वो है लालू यादव का परिवार। जहां आज हम अब बात करने वाले हैं कि लालू प्रसाद के परिवार के लिए साल 2021 कैसा रहा, क्या कुछ हुआ उनके परिवार में। क्योंकि अगर हम शुरुआत से बात करें, यानी कि इस साल के शुरू होने से अगर हम बात करें, तो कई तरह के उथल पुथल इस बार लालू परिवार में देखने को मिले। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की राहें अलग अलग हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक खुशखबरी भी तेजस्वी यादव ने दी जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी रचाई। तो कई तरह की तस्वीरें 2021 में लालू परिवार के घर से देखने को मिली है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है 2021 में लालू परिवार में। बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने वो तस्वीरें देखी जब पहली बार, मतलब इतने सालों के बाद, लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहाई मिली। जहां एक तरफ चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजाफ्ता थे, वो जेल में थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बीमारी को देखते हुए उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो अपनी बेटी मिशा भारती के आवास पर दिल्ली में लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने हुए हैं और अपना इलाज भी करवा रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो हमने वो तस्वीरें भी देखी जब तेज प्रताप यादव का बगावत सामने आया। जहां हमने वो देखा जब तेज प्रताप यादव मंच से खड़े होकर जगदानंद सिंह को हिटलर तक कह बैठे थे, और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने तो ये भी कहा था कि जब तक जगदानंद सिंह आरजेडी में बने रहेंगे तब तक तेज प्रताप राजद कार्यालय नहीं आएंगे। और यही वजह है कि उस वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की राहें भी अलग अलग हो गई थी। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने तो गुस्से में पार्टी से अलग होकर छात्र जनशक्ति परिषद का गठन भी किया और अपने इसी संगठन के माध्यम से वो बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि ये 2021 लालू परिवार के लिए अटेंशन भरा रहा, क्योंकि शुरू से ही साल के शुरुआत से ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच की जो अब बगावत थी वो देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, अगर हम जगदानंद सिंह की बात करें तो जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप का गुस्सा सामने आया और तेज प्रताप ने ये कह दिया कि जगदानंद सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए। हालांकि इसके बाद जगदानंद सिंह भी काफी गुस्से में आ गए और कई दिनों तक उन्होंने राजद कार्यालय में आना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, 15 अगस्त के मौके पर भी पहली बार ऐसा हुआ था कि जगदानंद सिंह राजद कार्यालय नहीं पहुंचे। हालांकि इस सबके बाद लालू प्रसाद यादव की कोशिशों के बाद जगदानंद सिंह एक बार फिर से मान गए और उन्होंने पार्टी कार्यालय में आना शुरू कर दिया। लेकिन इस सबके बीच बगावत और जो जंग है वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच देखने को मिली थी। बता दें कि हमने रात की वो तस्वीरें देखी थी जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं और वहाँ तेजस्वी यादव को मिलने नहीं दिया जाता। जहाँ तेज प्रताप यादव जब तेजस्वी यादव के आवास जाते हैं तो दोनों भाइयों को मिलने से रोक दिया जाता है। तो कई तरह की तस्वीरें इस बार 2021 में हमें देखने को मिली। आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, जगदानंद सिंह का गुस्सा देखने को मिला, तेज प्रताप यादव का गुस्सा देखने को मिला। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव का वो बयान भी काफ़ी चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बाद धीरे धीरे जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ही लोगों को शांत कराने की कोशिश की और इस कोशिश में लग गए कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को फिर से एक किया जाए, जिसके बाद मामला धीरे धीरे करके शांत हो गया। लेकिन इस सबके बाद तेज प्रताप ने एक जो नए संगठन का गठन किया, यानी कि अपने छात्र जनशक्ति परिषद के माध्यम से ही वो राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम
बातें 2021 में देखने को मिली, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि दिल्ली से लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसे शब्द को बोला जिससे बिहार की राजनीति गर्मा उठी, और वो शब्द था भगचोरन। जी हाँ, कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास के लिए लालू प्रसाद यादव ने भगचोरन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर भी महीनों तक राजनीति गर्माई रही। और इसके बाद खुशखबरी आई लालू परिवार के घर से, जब तेजस्वी यादव ने शादी कर ली। जहां आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी को सरप्राइज कर दिया, और वो दिल्ली में एक दिन में ही उनकी सगाई भी हुई और उनकी शादी भी हुई, जिसके बाद क्या विपक्ष और क्या सत्ता के लोग सभी ने अपनी शुभकामनाएं तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री को दी। हालांकि अलग धर्म की लड़की से शादी करने के बावजूद तेजस्वी यादव को सभी का प्यार और आशीर्वाद मिला, और ये शादी इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चित शादियों में से एक है। तो कई तरह की तस्वीरें 2021 में लालू परिवार में देखने को मिली, और यही वजह है कि अगर बिहार की राजनीति की बात हो और नाम लालू प्रसाद यादव का ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि आज के इस स्टोरी में हमने आपको बताया है कि 2021 लालू परिवार के लिए कितने मुश्किल भरा रहा और क्या कुछ खुशियां इस बार लालू परिवार में आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।